हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम बैटरी के सीरीज 3 को देखेंगे। सीरीज 2 पहले देख चुके, पहले के वीडियो में हम लोग 2 सीरीज देख चुके हैं, आज तीसरा सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। देखिए, जब कह रहा है कि बैटरी का रंग कैसा होगा जब चार्ज होगी बैटरी, तो उसका धन प्लेट कैसा होगा। ऑप्शन दिया है, हरा होगा, चॉकलेटी होगा, भूरा होगा, ब्लू होगा। ठीक है, तो देखिए, बैटरी के धन प्लेट का रंग जो होता है जब बैटरी चार्ज होती है तो उस चार्ज अवस्था में वो चॉकलेटी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, चॉकलेटी कलर का हो जाता है। लेकिन वही यदि ऋण प्लेट के बारे में पूछे कि ऋण प्लेट कैसा होगा, तो क्या होता है, वो स्लेटी कलर का हो जाता है चार्ज अवस्था में। ठीक है, यानी धन प्लेट चार्ज अवस्था में चॉकलेटी कलर का और ऋण प्लेट स्लेटी कलर का। और लेकिन वही जब पूछे कि बैटरी जब डिस्चार्ज रहेगी तो उसकी प्लेटों का रंग कैसा होगा। ठीक, यानी प्लेटों का रंग कहने का मतलब उसका धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों जब डिस्चार्ज होगी तो उसके प्लेटों का रंग कैसा होगा, तो सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, यानी डिस्चार्ज अवस्था में प्लेटों का रंग सफ़ेद, चार्ज अवस्था में धन प्लेट का रंग हो जाता है चॉकलेटी और ऋण प्लेट का रंग चार्ज अवस्था में हो जाता है स्लेटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ऋण प्लेट का रंग कैसा होता है, स्लेटी कलर का होता है, यानी क्या हो जाएगा, स्लेटी कलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा इस इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपका, हाइड्रोमीटर, ठीक, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर और सेल टेस्टर। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, सबसे पहले ये देखें, किसी भी सेल का, ठीक, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, यानी H2SO4 का घोल हो, ठीक है, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो एक तरल पदार्थ होती है, उसकी अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, यानी उसकी तरलता। वो अपेक्षित घनत्व का मतलब ये है कि उसकी जो वो गाढ़ापन है वो कितना है। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का गाढ़ापन ज़्यादा होता है तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, और जो गाढ़ापन कम होता है अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। जब गाढ़ा होता है तो उसकी चार्ज की अवस्था अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी जो अपेक्षित घनत्व होती है वो किससे मापते हैं, वो उस चीज़ को हम लोग मापते हैं हाइड्रोमीटर से, यानी किससे, हाइड्रोमीटर से उसकी अपेक्षित घनत्व मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलों को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े। ठीक है, ऑप्शन है, सीरीज में, समानांतर में, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में। देखिए, कभी भी सेल की जब एम्पियर क्षमता बढ़ानी हो, जब एम्पियर क्षमता बढ़ानी होती है तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और लेकिन यदि विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए बोले तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमारा कि एम्पियर क्षमता बढ़ाना है, तो एम्पियर क्षमता बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, ये समानांतर क्रम में हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न यदि पूछा होता कि विद्युत वाहक बल बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए, यानी वोल्ट बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो जाता, सीरीज हो जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, समानांतर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी लेड एसिड सेल में कौन कौन सक्रिय पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, तनु गंधक का अम्ल, स्पंजी लेड, लेड अपर ऑक्साइड, ये सभी। देखिए, लेड एसिड सेल में जो होता है तनु गंधक अम्ल भी होता है, ठीक है, लेड पर ऑक्साइड भी होता है, स्पंजी लेड भी होता है, यानी तीनों हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है, किलोवाट घंटा में, वाट में, एम्पियर में, एम्पियर घंटा में। ठीक है, तो देखिए बैटरी की क्षमता जो होती है, आप देखे होंगे आप अपने घरों में बैटरी, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, AH लिखा रहता है, क्या रहता है, AH, यानी एम्पियर आवर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर घंटा में बैटरी की क्षमता किसमें मापते हैं, एम्पियर घंटा में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है, कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का क्या कार्य है। ठीक है, कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का क्या कार्य होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, जिंक में बर्तन
पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, सेल की आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना, उत्पन्न हुई ऑक्सीजन को शोषण करना। देखिए जो विध्रुवक का कार्य क्या होता है, विध्रुवक होता क्या है, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके धन प्लेट और ऋण प्लेट पर हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, विध्रुवक क्या करता है कि उस हाइड्रोजन के बुलबुले को जल के रूप में उसको प्रवाहित कर देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, ठीक है। विध्रुवक का कार्य क्या होता है, जल उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है, ठीक। ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पेरिस प्लास्टर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, पहले के लेक्चर पहले वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख ले प्लेलिस्ट में, इसमें मैंने बताया था कि विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है यही हमारा विध्रुवक का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक 144 एच बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग डैश खाली स्थान है घंटों तक प्रदान कर सकती है, यानी ये कह रहा है कि 140 एम्पियर घंटा की बैटरी है, एच की बैटरी है, और 9 एम्पियर करंट लगभग उससे लेना है, तो कितने घंटे तक ये चलेगा, ठीक। तो इसी हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्षमता क्या, इसका सूत्र क्या होता है कि क्षमता बराबर, ठीक है एक मिनट, इसका सूत्र क्या होता है कि क्षमता बराबर, ठीक है, क्षमता बराबर कैपेसिटी, एक मिनट, हाँ तो क्या होता है कि क्षमता बराबर, एक मिनट, क्षमता बराबर, ठीक है, धारा गुणे समय, ठीक है, धारा गुणे समय, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। अब यहाँ क्षमता पूछ रहा है, क्षमता भी निकाल सकते हैं, धारा भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, समय। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर, ठीक है, यानी टी बराबर टाइम, ठीक, टाइम बराबर, ठीक, हमारा क्या क्षमता बटे में धारा, ठीक है, हमारा ये धारा क्या हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्षमता बटा में धारा, ठीक है। तो क्षमता हमारी क्या है, क्षमता आप देख सकते 144 की है, ठीक है, 144, ठीक, और उसके बाद धारा कितनी है, 9 है, तो इसको 9 से भाग करेंगे, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छके 54, ठीक, यानी 16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 16 घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निकल आयरन सेल होता है, ठीक है, ऑप्शन है तर सेकेंडरी सेल, शुष्क प्राइमरी सेल, तर प्राइमरी सेल, शुष्क सेकेंडरी सेल। तो देखिए इसमें जो होता है निकल आयरन सेल जो होती है वो तर सेकेंडरी सेल होती है, ठीक है, यानी तर सेकेंडरी सेल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी बैटरी की जरूरत नहीं हो, लंबे समय तक निष्क्रिय रखना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, प्लेट को आंसू जल से धो देना चाहिए, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे और स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैटरी को, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे और स्वच्छ स्थान पर रख देना चाहिए, यदि आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए सेल हमारा, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था किस रूप में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन है आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट करंट के रूप में, अम्लीय अंश के रूप में। देखिए इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था जो होती है, अभी हमने आपको बताया कि इसके थोड़ा देर पहले कि उसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो क्षमता होती है
की अवस्था होती है हम लोग उसका अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं, और अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ होता है, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ होता है, ठीक है, इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल जो होती है उसे एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होता है कि आप उसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है, सेकेंडरी सेल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है, कह रहा है किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है, ऑप्शन है शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गैसिंग की प्रक्रिया होती है क्या होता है, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है, लेड एसिड सेल को जब चार्ज करते हैं हम सेकेंडरी सेल को, तो उसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, वो जब चार्जिंग के समय देखेंगे आपके उसके अंदर बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोलाइट में, और वो बुलबुले क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वो क्रिया कब होती है, तो चार्जिंग के समय होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार करते हैं लेड एसिड सेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल में घोलकर, उसके आकार पर। ठीक है, देखिए तो लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कैसे तैयार करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और ये भी पूछता है कि ये जल और अम्ल का अनुपात कितना होता है, जल और अम्ल का अनुपात जो होता है 3:1 होती है। ठीक है, यानी क्या होता है, 3:1 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर, उसकी प्लेट की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, उसके आकार पर। तो देखिए किसी भी स्टोरेज बैटरी की जो क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करते हैं, देखिए आप जानते हैं जब जितनी बड़ी बैटरी होती है उसकी क्षमता उतनी बड़ी होती है, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी बड़ी प्लेट रहेगी तो बड़ा बैटरी रहेगा तो बड़ा उसकी कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका, घट जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि वो बढ़ जाता है, जब डिस्चार्ज है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और चार्ज रहेगी तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, यानी जो आप ये फिगर देख रहे हैं इसका EMF पूछ रहा है कि इसका EMF कितना होगा। देखिए इसका EMF कैसे निकालेंगे आप, हम कि आप देख सकते हैं कि देखिए सीरीज में ये लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से जो गया है एक यहाँ से आकर के सीरीज में लग चुका है, 4-4 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, फिर यहाँ से आकर के सीरीज में लग चुकी है। ठीक है, तो ये 4-4 वोल्ट की बैटरी। ठीक, तो अब देखिए आप क्या करेंगे इसको, तो देखिए इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें 3-4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और तीन इसमें 4-4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो देखिए अब 4-4, 8-4, 12 ऊपर कितने हैं, 12 हो गया, 12 वोल्ट हो गया, जोड़ दिए सीरीज में है तो, और 12 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 12 कितना हो गए, 24 हो गए। ठीक है, 24 हो गया, और देखिए दो श्रेणियों में लगा, एक ये श्रेणी में एक A1 हो गया और ये A2 हो गया। ठीक है, तो एक ये और एक ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो भाग हम कर देंगे 2, तो 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। ठीक, देखिए ऑप्शन कितना है आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही, 12 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एक प्राइमरी सेल नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन है डेनियल सेल,
लेकलांची सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल। ठीक, देखिए ऑप्शन जो इसमें कह रहा है कि एक प्राइमरी सेल नहीं होती है, यानी इसमें तीन जो हैं वो प्राइमरी सेल है, एक प्राइमरी सेल नहीं है। ठीक, देखिए डेनियल सेल जो होता है वो प्राइमरी है, लेकलांची सेल भी प्राइमरी है, शुष्क सेल भी प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन लेड एसिड सेल जो होती है वो सेकेंडरी सेल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चित्र में 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्लस और माइनस टर्मिनल के आर पार जुड़ा वोल्ट मीटर निम्न माप दर्शाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 1.5 यहाँ थोड़ा सा गलती प्रिंट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 1.5 दे रहा है वो 2.5 है। क्या है आपका, वो 2.5 है वो। ठीक है, यहाँ 2.5 है आपका, और इसीलिए यहाँ 2.5 देख रहे हैं आप, चारों तरफ दिया गया है, यानी कितने 6 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जब सीरीज में लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, R1 + R2 का फॉर्मूला आपको मालूम है, R1 + R2, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2.5 जो 6 बार उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 15 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल EMF प्रदान करने वाला एक स्रोत है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित होती है, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदलना जब बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि जो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा एकत्रित रहती है, रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, लेकिन उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए तो आपका वीडियो समाप्त होता है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँ। चलिए।